जगिया जी, जगिया सा जगिया सा जी, मुझे सीमा फ्रॉम मुंबई ने भेजा है। मुझे भी। तो आपको क्या चाहिए अपने पार्टनर में, अपनी वाइफ में? देखो आनंदी, मुझे तो अपनी बीवी से सिर्फ बटन वाला पेंसिल बॉक्स चाहिए, लेकिन मासा की थोड़ी सी लिस्ट है कि लड़की मीठा बोलती हो, एडजस्टिंग हो, कॉम्प्रोमाइज कर ले, और बाकी उसका जो मन करे वो कर सकती है। हम लोग भी इतने एडजस्टिंग तो हैं ही। झगिए भोस, 50 शादियां मेरी रिजेक्ट हो चुकी, 50 शादी तेरी रिजेक्ट हो चुकी है। चुपचाप हाँ बोल दे, वरना भोस गंजा करके मारूंगी तेरे खोपड़े पे, और खाना बनवाएगा भोस रंजीत बरारू में। हेलो सीमा फ्रॉम मुंबई। हाँ वो हाँ बोल रहे झगिया सा। अरे नहीं, उन्हें तो बहुत पसंद आई। मैं सुन लिया? नहीं सुन लिया? वी डेफिनेटली लाइक योर परफॉर्मेंस व्हेन यू सब्सक्राइब टू मेंस एक्सपी। हाय गाइस, नो सेनो, मेरे साथ है शुभम और आप देख रहे हैं ओल्ड फेमस ऑनेस्ट रिव्यूज। और गाइस, ऑनेस्ट रिव्यूज जैसा कि आप देख सकते हैं काफी बदल चुका है। कुछ नहीं बदला है, ये बस्ती के साथ वीडियो कर ली तो इन्हें लग रहा है स्टैंड अप ज्यादा चलता है, खड़े होकर मान लेते हैं जो। अब बस्ती के साथ हमने वीडियो कर ली तो हम स्टैंड अप कॉमेडियन बन गए। सुलमुन भाई के साथ जिस दिन वीडियो कर लेंगे उस दिन फार्मिंग। और ये गाइस मैं बता दूं कि ये माइक ऐसे ही दिखावट के लिए, असली में तो यही माइक चल रहा है। हाँ ये तो सब ऐसी है, ये तो ऐसे, तो हटा दे इसको। इसको हटा दे, हटा दो चलो साइड। बिल्कुल वैसे हमने माइक उठाया हटाया है जैसे राजस्थान से सचिन पायलट ने गहलोत की सरकार को हटाने को। हम तो सफल हो गए, उसका तो इधर ही रखा रह गया माइक, तो वो भी उठा के ले गया लेकिन आवाज नहीं दबा पाया बेचारा, आवाज नहीं दबा पाया। और इधर से गहलोत ने खुला बोल भी दिया क्या कि बहुत ही नीच हरकत की। एनीवे गाइस, काफी उल्टी सीधी हरकतें इस हफ्ते हुई। सबसे बड़ी हरकत तो ये हुई है कि सुलमुन भाई ट्रैक्टर पे एक आदमी को निकाल कर धान बोते चले गए खेतों में। धान ही वही है, अच्छी बात है, जहर बो देते हैं भाई आधे लोग तो। जहर बोते नहीं है वो, फिर तुम्हें मारना होता और भी तरीके हैं उनके के पास। नहीं नहीं, बॉलीवुड वाले जो जहर बो रहे हैं, जैसे कंगना ने इंटरव्यू दिया अर्नब, कंगना ने अर्नब गोस्वामी को इंटरव्यू दिया और सोचो वहां पर दिक्कत ही हुई, कौन चुप रहेगा, कौन चुप रहे। और वो रेटिंग सिस्टम हो गया ना, क्या कंगना ने सबको ग्रेड दे दिया ना। हाँ, तापसी अच्छा काम करती है, बी ग्रेड, सौरभ भास्कर बी ग्रेड, बी वे सौरभ को ज्यादा दे दिया, नाच चुकी है वो सलमान भाई की पार्टी। ओ भाई उसका बजट चल रहा है। तेरा तुझसे ज्यादा खुश तो ये ना है, कितने रुपए दिए इसने चंदे में। एनीवे गाइस, सलमान खान बन गए हैं फार्मर और इंटरनेट पे काफी उनकी धज्जियां उड़ा दी गई क्योंकि सलमान खान फार्मिंग की फोटो ऐसी खिंचवा रहे जैसे चॉकलेट वैक्स लगा। ही बिकेम इंडियाज फर्स्ट फार्मर जिसके फार्मिंग करते में हाथ गंदे नहीं हुए, पैर गंदे, बाकी सब गंदा हो गया। यहाँ पे हम सलमान भाई के मेकअप आर्टिस्ट को देना चाहेंगे 5 में से 1 स्टार। और पब्लिक इतनी हरामी है, हाँ। सलमान भाई जब भी गाड़ी चलाते हैं एक आदमी साइड में रखते हैं, ट्रैक्टर पे भाई बंदा बिठाते रखा कल को कोई पौधा आके कहे कि जी हमारा परिवार कुचल दिया सलमान भाई ने, ये चला रहा था मैं कुछ नहीं। इसके अलावा दोस्तों इस हफ्ते खबरों में रहे 2 फिल्म डायरेक्टर्स। पहले तो करण जौहर जिनकी पुरानी क्लिप वायरल हुई है क्योंकि नई बनाने लायक तो वह बचे नहीं है, गायब ही है आजकल वो। वो सलमान को फोन कर रहा होगा इस समय, कह रहा भाई वहाँ पर कमरा है क्या, मैं अपने दोनों बच्चों को लेके आ जाऊंगा। हाँ जी, आपकी जगह तो बन जाएगी। हाँ। वो 2500 किलो कपड़े जो है आपके उन्हें कहाँ आप रखोगे? वो कहेगा वो मैं रख दूंगा मेकअप। हाँ। सलमान बोला मेकअप आर्टिस्ट में रही अभी। उसके अलावा आर बाल्की ने एक और कॉन्ट्रोवर्सी स्ट्रोक कर दी बिकॉज आर बाल्की ने बोला की मुझे आलिया भट्ट और रणबीर कपूर से अच्छे एक्टर ला के दिखा दो। अब इरफान खान साहब जिंदा होते तो मैं कुछ जवाब देता भी। भाई ऐसा कर लेते हैं कि हम भी फिर ये कह देते हैं कि आरजे भाई से बढ़िया रिव्यूअर ढूंढ के लाके दिखा दो। हाँ। राजेश से बढ़िया कोई एंड में आने वाला लाके दिखा दो, वो तो सच है। एक्टर वरुण पृथ्वी है साले, वो छोटे एक्टर है, आज तक 38-90 कितने हजारों मिलियन भी हो गए। हाँ। किसी को पता नहीं चला भाई एक्टिंग कर रहा। वरुण पृथ्वी ने एक फिल्म की है भाई, भाई उसी फिल्म से इतना पैसा कमा लिया कि तब से चैरिटी में लग गए। हो सकता है उन्हें बहुत ज्यादा वाकई मिले हों भाई, एक्टिंग छोड़ने का क्या लोगे, क्या लोगे, क्या लोगे? ये ले लो, ये सारे रख लो हमारे, अगर मैं आपके सारे पैसे ले लूं, सारे ले लो बट एक्टिंग छोड़। एक्टिंग छोड़। उसके अलावा गाइस अगर दुनियादारी में किसी ने भौकाल मचा रखा है तो वो बचा रखा है सीमा टपारियन। बस उनके शो का हम रिव्यू शुरू कर ही देते। यस सर। अपने MLAs को हम रख सकते हैं यहाँ, यहाँ या फिर यहाँ, लेकिन क्योंकि मुझे अपनी सरकार और दोनों बचानी है इसलिए मैं उन्हें रखूंगा होटल बचालो में। MLAs बचालो।
तो गाइस अब बात करते हैं उस ऐसे शो की जिसके बारे में इंटरनेट और खासकर इंस्टाग्राम बोल बोल के हमको फोमो दिला दिया और हमने कहा भाई हमें भी देखना पड़ेगा ये शो। बिल्कुल, मतलब 3-4 तो ऐसे पेज डीएक्टिवेट हो गए जिन्होंने इस पे मीम नहीं डाला। हाँ, बोले कि इंस्टाग्राम ने कहा कि रील मत बनाओ चलेगा, लेकिन इस पे मीम नहीं बनाया तो हटो साइड। क्या कर रहे हो, तुम्हें नहीं रहना हिंदुस्तान में? यू हैव टू टॉक अबाउट सीमा तपारिया फ्रॉम मुंबई। एग्जैक्टली, हेलो, छोड़ो सीमा तपारिया के साथ 2-4 घंटे बिठाओ कि दिल्ली से लेके लॉस एंजलिस तक पब्लिक को कैसे बनाना। और सबसे बड़ी बात मुझे लग रहा है कि जितनी वो गो गेटर है कि जो चाहती है वो करके दिखा देती है, तो राजेश को अगर कोई शुरू में ला सकती है तो सीमा आंटी ला सकती है। एंड द फर्स्ट वर्ड दैट वी हैव टू से अबाउट द शो इज दैट इट इज एज क्रिंज एज आवर सोसाइटी इज। देखो बेचारी सीमा आंटी का स्ट्रगल कितना ज्यादा है। 19 साल में इनकी हो गई शादी, फिर इन्हें आ रही है दिक्कत क्योंकि लड़कियां जो है उनके नखरे बहुत ज्यादा है, वो कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार नहीं, एडजस्ट नहीं करना चाहती आजकल की लड़कियां। शी इज वेरी स्टबर्न, शी इज नॉट एडजस्टिंग। लाइक गर्ल्स हैव ऑल ऑफ अ सडन स्टार्टेड डेवलपिंग दिस वियर्ड थिंग कॉल्ड सेल्फ एस्टीम। व्हाई आर दे गेटिंग इंडिपेंडेंट? आई हैव नो लाइक गो 10 इयर्स बैक no TV show, no internet, no ID work, girls had no self-esteem. The ID work did all this to girls. Kusha Kapila empowering girls. Also making men's planning. Yeah, doing Ghar Ghar Kalesh. Hello? Hello. हाँ विकास बोल रहे हैं भैया की तो गाड़ी पलट गई, उनका राइट हैंड बोल रहा हूँ। अच्छा राइट हैंड जी, आई एम सीमा फ्रॉम मुंबई। तो ये लोगों को सबक सिखाने का काम आप करते हैं ना? करते हैं। हाँ, एक नाम लिख लीजिए, उनको सबक सिखवाना है। बताओ। एक कुशा कपिला नाम है उनका। हाँ, हाँ तो क्या कॉस्ट रहेगी सबक सिखाने में? 3,500 में कर देते हैं, ये तो इंटरनेट वाली है ना। हाँ, तो IIT से एक लड़का पकड़ेंगे, इनका इंस्टा अकाउंट डिलीट करा देंगे। अच्छा, ये क्या आपका बिजनेस वगैरह खराब कर रही है क्या? अरे मैं तो पूछो मत, इन्होंने धंधा खराब कर रहा है हमारा। हाँ, हमारी लड़कियों के दिमाग खराब कर दी, वो कह रही है हमें इंडिपेंडेंट बनना है, कह रही सेल्फ वर्थ चाहिए। सुनो, हमारे पास क्या है, 3-4 वो ऐसे लौड़ने हैं, उन्हें क्या बोलते हैं वो अंग्रेजी में, पैट्रियार्कल। अच्छा, तो वो ये काम तो फ्री में ही कर देंगे। अरे वो उससे कुछ नहीं होता, अभी पीछे यूट्यूब पे एक लड़के से करवाया था, कुछ नहीं फर्क पड़ा। मैं अकाउंट ही डिलीट करवा दूंगा ना। हाँ, आप करा दी, ठीक है। अच्छा बेटा सुनो। हाँ, तुम्हें शादी होगी तुम्हारी? तो गाइस शो में कोई ऐसी कास्ट नहीं है, बिकॉज एवरीबॉडी इज प्लेइंग देयर ओन सेल्स, ये लोग अपने अपने कैरेक्टर्स निभा रहे हैं, लेकिन जो सेंट्रल कैरेक्टर है शो का उनका नाम है सीमा तपारिया फ्रॉम मुंबई। एग्जैक्टली, उनके लिए सीमा फ्रॉम मुंबई उनका ऐसा इंट्रोडक्शन है कि आधार कार्ड पे भी उनका फर्स्ट नेम सीमा है और सेकंड नेम फ्रॉम मुंबई। क्या नाम है आपका? सीमा फ्रॉम मुंबई। अच्छा, सीमा तपारिया बेसिकली मुंबई बेस्ड एक मैच मेकर है। मैच मेकर क्या है, वो आंटी है जो इनका बायोडाटा वहां देती है, उनका बायोडाटा यहां देती है और लोगों की जिंदगी बर्बाद कराती है, उसका पैसा मिलता है उन्हें। सोचो वो टिंडर का जीता जागता वर्जन है, इफ टिंडर जो ये स्केचेस बनते हैं ना यूट्यूब पे, इफ टिंडर वर ए पर्सन, सो टिंडर वुड हैव बीन सीमा टपारिया। इसका ओरिजिनल कॉन्सेप्ट तो वही है। वही है, एग्जैक्टली, उनकी लाइफ ही यही है। और उसमें स्ट्रगल होती है कि यार इसके नखरे ज्यादा हो, ये राइट स्वाइप नहीं कर रहा है, ये नहीं कर रहा, और मतलब ऐसा सोचो लॉकडाउन में धंधा पिटा है तो सीमा जी का ही पिटा है। सीमा जी कह रही है इसकी माँ का ये जिनपिंग कहीं मिले, इसके पहले मैं जरा तारे दिखाऊं अपने पंडित जी को। तो शो क्या करता है, शो अलग अलग फैमिलीज को ट्रेस करता है जो कि सीमा टपारिया के पास आते हैं अपनी मैच मेकिंग सॉल्यूशंस लेने के लिए, और सीमा टपारिया किस तरह उन्हें ठगती हैं, किस तरह उन्हें कन्विंस करती हैं, किस तरह उनकी हेल्प करती हैं, आप जो भी कहना चाहें। पूरा शो, मतलब शो में दिखाया गया है कि वो हेल्प करती हैं, लेकिन वो एक तरह की ठगी है हमारी नजर में, तो देख के लगा नहीं कि हेल्प कर रही है। हां, हेल्प वाला एटी कहीं से उनका आया नहीं, एक बार बस वो प्रद्युम्न के लिए चॉकलेट का डब्बा लाई थी, मुझे वही प्यार आया सीमा आंटी पर, या एक बार वो प्यार आया। हाँ, कुत्ते की फोटो देख के कह रही दीदा, फोटो ऑफ योर किटन। इसीलिए ट्रंप कैंसिल करता है हिंदुस्तानियों के लिए। ये बात उन्होंने अमेरिका में जाके कही है। अमेरिका में जाके बट सीमा जी जिन अलग अलग परिवारों के रिश्ते करा रही है वो भी इस सीरीज के अलग अलग एपिसोड्स में दिखते हैं। जैसे पहले एपिसोड में हमें दिखते हैं प्रद्युम्न और अपर्णा। प्रद्युम्न बेसिकली मुंबई में एक ज्वेलर फैमिली से बिलोंग करते हैं जिनकी शादी नहीं हो रही है। प्रद्युम्न ऐसे आदमी है जिनके कमरे के हैंडल पे उनकी फुल लेंथ फोटो लगी है। बताओ, अब कोई अगर कह के दिखा दे कि सूट पे आदमी ने नाम लिखा रखा तो वो नार्सिस्ट है, तो मैं उसे प्रद्युम्न से मिलवाऊंगा। कहीं हम ये तो नहीं हो रखा 7 RCR के अंदर की हैंडलों पे मोदी जी की फोटो लग रही है। आई हैव सीन अ क्रीपियर थिंग। क्या? मेरे एक जानने वाले के बाथरूम में टाइलों पे उसके पापा की फोटो लगी है। इंसान हत्थी मार रहा है, पापा बैठे देख रहे हैं। अपर्णा एक US बेस्ड अटर्नी है, और अटर्नी बोलते हैं क्या बोलते हैं, अटर्नी अटर्नी मैं भी भूल गया, मैं क्या बोलते हैं,
शी इज अ यूएसबी अटर्नी और वहाँ पर अटर्नी का मतलब गाइस लॉयर, वकील। वही तो मैं कह रहा हूँ, एक तो अंग्रेजों ने जबरदस्ती के वर्ड्स को फैंसी बना दिया, स्पेशली अमेरिकन से। इसको क्या बोलते हैं अपना पनीर को? कॉटेज चीज। हम खाते हैं बिस्कुट, वो खाते हैं कुकी। ओ हाँ, बिस्किट को बना दिया कुकीज और चूतिया को बना दिया ट्रम्प। सो अपर्णा बेसिकली बहुत हाई स्टैंडर्ड वाली लड़की है जिनको शी वॉन्ट्स एवरीथिंग इन अ बॉय। और भाई प्रद्युम तो ही है। कुछ कुछ अलग अलग ऐसे अच्छे रिश्ते भी आके जा रहे हैं, जैसे एक नादिया है, नादिया जैगरसन। ये कैसा सर नेम हुआ? नादिया जैगरसन उनका नाम है, शिव नारायण चंद्रपाल टाइप है। एक्चुअली शी हैज अ सिमिलर स्टोरी बिकॉज़ उनके फैमिली भी इंडिया से गायना गए थे, गायना इज अ कंट्री इन साउथ। कि आई हैव गॉट अ मैच फॉर यू एंड ही इज आल्सो गायनीज। इसको लगा कि गायनेकोलॉजिस्ट है। एग्जैक्टली, मुझे लगा कि उससे, और वो ऐसे एक्साइट हो गई, ओ आई एम आल्सो अ गायनीज। और मैंने कहा यार अभी तो थोड़ी देर पहले ये शादियां करा दी थी, ये क्या एग्जैक्टली क्या करती है, मतलब ये शादियां कराती है कि गायनीज है? अब उनको परेशानी हो रही है कि उनको इंडियन लड़के से शादी कर रही है जो उनको उनके गायनीज होने से प्रॉब्लम ना हो, तो इंडियन लड़के से करनी क्यों है? एक तो ये लॉजिक मुझे अरेंज मैरिज का बिल्कुल समझ में नहीं आता है। जिंदगी बिताएंगे इंग्लैंड में, कनाडा में, बहू कौन चाहिए? पिंड की। ओ, पिंड दी मुंडी है। पिंड से भाई ले, बाबा कितना दिल टूटा बब्बू मान के चक्कर में। हाँ भाई, कितनी लड़कियां पिंड से चली जाती थी बब्बू मान को छोड़ के। एक और फैमिली दिखाई गई है जो की हमारा फेवरेट कैरेक्टर है शो का, जिन्होंने भी शो देखा है सबके फेवरेट है, व्यासर। व्यासर बेसिकली इज ऑफ तमिल डिसेंट बट इज लिविंग इन अमेरिका। व्यासर एक कॉलेज में काउंसलर टाइप के हैं और उनसे हम रिलेट करते हैं, क्यों? क्योंकि वो कुछ हद तक हमारी तरह है। नमस्कार भाजी। हाँ भाई, कहाँ से आ गए? वो मैच मेकिंग के ऑडिशन चल रहे हैं। क्या नाम है? राजेश। एकदम पापा वाला नाम है। तुम्हारा क्या नाम है? शुभम। एकदम बच्चे वाला नाम है। क्या करते हो? जी बैंक में ब्रांच मैनेजर हूँ। क्या रेट चला रहा है एफडी का? 7.5% करवा देंगे आपका। करीब दोनों। क्या चाहिए लड़की में बताओ? भाई साहब हमारी बिल्कुल कोई डिमांड नहीं। अच्छा, लड़का लड़की एक दूसरे को पसंद कर ले और बस, जिंदगी तो इन्हें काटनी है। अब तुम्हें क्या चाहिए? मेरे को कुछ नहीं, बस उसे मैं पसंद आना चाहिए, वेवलेंथ मैच हो जाए और कुछ हो। ओ भाई, किसको भेज दिया गधों को? अब मैंने कितनी बार कहा मुझे चूहे चाहिए शो में, इन गधों को भेजा। चलो उठो, चलो चलो, मैं समझदार लोगों की जगह नहीं है। भाग, टेबल पलटा देते हम पे। टेबल पलटा तेरी माँ का। बाबा। हाँ भाई, ऑडिशन चल रहे हैं मैच मेकिंग के। हाँ, क्या नाम है? राजेश। शुभम। क्या करते हो? डायमंड काटते हैं। सर नाम बड़े अच्छे लगे मुझे आपके। सर क्या क्या लेंगे सर? प्रोटीन शेक। अच्छा, आप सर? मैं पापा के लिए प्रोटीन शेक। अच्छा, सर आपके लिए? मोहितो। अच्छा, वर्जिन मोहितो। सर उसके लिए बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मोहितो और गर्ल्स दोनों वर्जिन मिलेंगे हमारे यहाँ आपको। ये जगह लाया। हाँ तो सर ये जरा बता दीजिए कि आपको क्या क्या चाहिए लड़की में? पापा देखो, गोरी हो। अच्छा। लंबी हो, पढ़ी लिखी हो, लेकिन जॉब ना करे, होम मेकर चाहिए। होम मेकर चाहिए और पास्ट उसका बिल्कुल ना हो, क्योंकि हमारे इसका भी है थोड़ा बहुत, लेकिन 6 महीने रहा था ये जेल में, लेकिन आज कहीं किसी रिपोर्ट में आपको नहीं मिलेगा। इसका पास्ट हमने क्लियर करा दिया, लड़की का भी हमें नहीं चाहिए। मोटी बिल्कुल ना हो, स्लिम एंड ट्रिम हो, पैर दबाए इसकी माँ के मेरे, 6 से 8 महीने में एक FRSH ताजा बच्चा लाके हमारी गोद में रख दे, बाकी एडजस्टिंग हो नेचर की, कॉम्प्रोमाइज कर ले। डन है सर। मैं तो सर शिवम सर का फेस देख के ही मैं बस अट्रैक्ट हो गया, आप भी सर बड़े अच्छी फैमिली के हैं। डन है सर, बताइए कब आए शूटिंग करने? अभी चल दो हमारे। चलो, दो गाड़ी लेके आए हम दोनों अलग अलग अपनी। एक में सामान लाद देना, एक में तुम बैठ जाओ। चलो ना। अभी तो सर वो है नहीं ना कोई स्टॉक। अरे आज कौन आया? चल यार, स्टॉक का क्या है? अरे आ यार, वो मैं बायोडाटा है, लेके नहीं जाएंगे। चलो बात करेगा शो के प्लॉट की, तो ये दिखाता है हमारे समाज की उन काली सच्चाइयों को जिनके बारे में हमने बातें करना छोड़ दिया है, क्योंकि बेसिकली वो हमारे लाइफस्टाइल, हमारी दिनचर्या का एक पार्ट बन चुके हैं। और यहाँ पे मैं मंडो कोट करना चाहूंगा कि अगर आपको मेरी ये कहानियां नाकाबिले बर्दाश्त लगती हैं, तो ये जमाना ही नाकाबिले बर्दाश्त है। इसीलिए अगर आपको ये शो क्रिंज लगता है, यू विल आल्सो हैव टू एडमिट दैट दिस इज आवर सोसाइटी इन रियल लाइफ एज वेल। एग्जैक्टली, हो सकता है कि आपका परिवार ऐसा ना हो सकता है आपकी फैमिली ऐसी ना हो,
लेकिन कोई ना कोई आपका रिलेटिव, आपके किसी फ्रेंड की फैमिली, ये हमारे आसपास सब ऐसे ही हैं, और आपको लगता है ऐसा तो कहीं नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता है, तो आप उसे एक बहुत छोटी सी माइनॉरिटी का हिस्सा हैं, जो कि आई थिंक देन 1-2% से ज़्यादा नहीं है इंडिया की पॉपुलेशन में। ये शो के अंदर जो फैमिलीज दिखाई गई हैं वो सब वेल टू डू, मतलब ऐसे बोलने के लिए वेल टू डू नहीं है, कोई मुंबई के सबसे पॉश सोसाइटी में रह रहा है, कोई सालों से अमेरिका में रह रहा है, किसी के पास दिल्ली में इतने बड़े बड़े घर हैं, मतलब उनके घर देखे थे देन सबके फैम जो दिखाए गए हैं शो के अंदर कितने बड़े बड़े घर हैं, गरीब के पास भी दो गाड़ियाँ शो के अंदर, और उन सबके अंदर भी ये वैल्यूज इतना ज़्यादा रूट कर चुकी हैं कि भैया अगर तरीका है कोई जीवन यापन करने का तो वो है माँ बाप के हिसाब से अरेंज मैरिज करना। और हम कह रहे हैं ठीक है लव मैरिजेस फेल होती हैं, बट अरेंज मैरिज के अंदर ये जजमेंट करने की जो पूरी प्रोसेस है ना कि लड़के को ये बॉक्सेस टिक करने चाहिए, लड़की को ये बॉक्सेस टिक करने चाहिए, इससे हमें प्रॉब्लम है। और आप देखो देश के सबसे अमीर से अमीर घराने भी वीडियो बना बना के भाई अपने घर की बहू के ऊपर दबाव डालते हैं कि अगले साल बच्चा चाहिए। हम बस रिलीजन, कास्ट, कलर, बैकग्राउंड, फाइनेंशियल बैकग्राउंड, सोशल बैकग्राउंड, कॉम्प्रोमाइजिंग नेचर, बस ये सब चेक करते हैं, बाकी तो भाई जोड़ियां तो ऊपर वाला बनाता है। तू उधर देखे कह रहे यार काय को मैंने दुनिया बनाई, ऊपर वाले की मर्जी। तो प्लॉट में एसेंशियली यही होता है कि सीमा जी इधर उधर जा रही हैं, चाहे वो हिंदुस्तान में हो चाहे अमेरिका में हो, अमेरिका में बहुत सी लड़कियां जिनके सीमा जी रिश्ते करा रही हैं, कुछ लड़कों के रिश्ते करा रही हैं, और भाई वो काम वो इंडिया में भी कर रही हैं, अलग अलग सबकी कैरेक्टर्स की अलग अलग बैकग्राउंड स्टोरी है। किसी की उम्र बढ़ रही है इसलिए उसे नहीं मिला है पार्टनर, किसी का तलाक का मैटर है इसलिए उसे नहीं मिला है पार्टनर, किसी की इसलिए शादी नहीं हो रही है क्योंकि वो सोसाइटी के उन आइडियल वेट के पैरामीटर्स में फिट नहीं बैठती हैं। और प्रीति आंटी ने एक ऐसी लाइन बोली है, हमारी डिनर टेबल कॉन्वर्सेशंस क्या होती है, क्या चल बाली का उदू लगा, हमारे भाई रिमोट को लेकर लड़ाई चल रही होती है, खाते टाइम हम कुछ काम की बात नहीं करते। इनकी फैमिली में क्या बात हो रही है, बेटा यू आर टर्निंग 25, यू हैव टू गेट मैरिड दिस ईयर, क्योंकि तुम्हारे भाई भाभी जो हैं बड़े वो एंजॉय कर पाए, अगले साल फिर उन्हें बच्चा भी पैदा करना है। भाई क्या है ये, चाइना में पता है मैरिज का सिस्टम क्या है, जिससे जिनपिंग बोल देता है उससे करनी पड़ती है, उसने अरेंज की हुई है सबकी। और सीमा जी मुंबई में ही रहती है, अगर टाइम लगे सीमा जी आजकल लॉकडाउन में आपका धंधा हल गए, थोड़ा फार्म हाउस की तरफ आप चले जाओ, उस गरीब किसान को शादी की जरूरत है। हेलो हेलो, हाय सुलमुन, आई एम सीमा फ्रॉम मुंबई। अरे याद हो गया तेरा एड्रेस, मुंबई मुंबई मुंबई। सो सुलमुन, व्हाट सॉर्ट ऑफ क्वालिटीज यू वांट इन योर पार्टनर? थोड़ी सी कैटरीना लगे, थोड़ी सी ऐश्वर्या लगे, थोड़ी सी जैकलिन लगे। सी देखिए सलमान, यू हैव टू कॉम्प्रोमाइज इट बिकॉज एट योर एज ऑप्शंस आर वेरी लेस। अरे आई एम जस्ट 55, अब किधर किधर कॉम्प्रोमाइज करूँ मैं, जज बोलता है कोर्ट में कॉम्प्रोमाइज करो, जज जी बोलते हैं घर पे कॉम्प्रोमाइज करो। नहीं देखिए ऑप्शंस आर लेस, ट्राई टू अंडरस्टैंड, आई विल सेंड यू सम बायोडाटा। नहीं तू मत भेज, मैं भेजता हूँ अभी अपने ड्राइवर को उधर आके लेके जाएगा। नहीं नहीं मैं आती हूँ ना, मैं आती हूँ, मैं अरे इनकम नहीं नहीं, अब लॉकडाउन चल रहा है। सोहेल मिट्टी सही से डाल खेत में। हेलो मिट्टी सही से डाल। हेलो हेलो, हाय सलमान, सीमा फ्रॉम मुंबई। सलमान मैं आपकी हॉबीज पूछना तो भूल गई। सिंगिंग, यूट्यूबिंग, अच्छा फार्मिंग, बिग बॉस में डूइंग जस्टिस ऑन वीकेंड्स, या And any bad habits? Acting, वो मैं मन से नहीं करता हूँ, ये साले कराते हैं मेरे से। Yeah. ठीक है, मैं आपको भेजती हूँ कुछ bad data. I'll send the driver. Hello. हाँ पंडित जी, I'm sending a driver's license. एक बार देख के बताइए इनके योग में क्या लिखा है। If you don't like Indian matchmaking, well that is the reality. हाँ ये बात सच है कि उस रियलिटी से हमें इतने घिन आते हैं कि हम देख नहीं पाते। So anyway guys, here are the three things we liked about the show. First thing that I like about the show is that somehow, despite being a cringe fest like this, it is still addictive. आप एक बार में 8 सीजन देख जाएंगे, 8 एपिसोड देख जाएंगे। Second thing we liked is कि the way it is shot, मतलब अच्छा सुंदर दिख रहा है पूरा शो, सुंदर तो बहुत है पूरा शो, मतलब अमीरी से भरा हुआ है भाई। एक आदमी ने अपने घर में कपड़ों की अलमारी पे फिंगरप्रिंट लॉक लगा रखा है। यहाँ राजेश अपना आईफोन चला रहा है 1012 के स्क्रीन कोड के साथ। Third thing that we liked about the show is that it has created an engaging and an important conversations around arranged marriages. और अगर ये shows माँ बाप भी देखते हैं, they should also understand कि वो किस तरीके का प्रेशर बना रहे अपने औलादों पे, that is not for their happiness. माँ बाप का तो लेकिन ये चल रहा है कि ये 35 की हो गई, इसकी शादी क्यों नहीं हुई, इसे कोई कैसे मिलेगा।
मेरी मम्मी को तीन चार की टेंशन हो गई कि इसकी मैं करा दे रही हूँ। And here are the three things we did not like about the show. One, the show does give a platform to regressive conversations. Second, मुझे लगता है कि भैया दो कैरेक्टर जो हैं, बट प्रद्युम्न और अक्षय के तो कैरेक्टर्स डेफिनेटली रियल लाइफ में अगर वो वैसे लोग हैं तो भैया तुमको बहुत बड़ा थम्स डाउन क्या कर रहे हो लाइफ के साथ। दोनों मतलब ऐसे दिखाए हैं, फॉर देम वुमेन आर नो मोर देन toys which they wish to buy. Objects, yeah. Good looking objects. Yes. And the third thing that we did not like about the show is the way it has shown India, because भाई ऐसा लगता है कि आप पुरानी BBC की फिल्में देख रहे हो जहाँ पर इंडिया आता है तबले वाली म्यूजिक बजने लगती टंग 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 टंग। हाँ वो तो फिक्स हो गया मतलब हम भी। चक्कर लिया। Anyway guys, our rating for the show is a full enjoy. जी हाँ ये है आपका guilty pleasure. आप accept नहीं करेंगे आपको show पसंद आए, लेकिन तब भी आप 8 के 8 episode देखेंगे और देखिए, लेकिन इससे कुछ भी सीख मत लीजिए, सिर्फ ये ना इससे ये सीखना है कि क्या नहीं करना है लाइफ। यस, पेरेंट्स को भी और बच्चों को भी। एग्जैक्टली, और सीमा टपारिया को भी। सीमा जी आपको कैसे हैं सर? आप मेरे से पूछ रहे हैं कैसे हैं? कमेंट नहीं पड़े पिछली वीडियो के? किसकी बातचीत हो रही थी उधर सारी? अभी नहीं देख लिया बड़वा आर्मी की बातचीत? ऐसी कोई सूखी हवाबाजी नहीं अपनी बातचीत। चौड़ चौड़ फुल। तो आप मतलब देखा आपने इंडियन मैच मेकिंग? हम काय को देखे इंडियन मैच मेकिंग यार, हमें जरूरत है क्या इन सब चीजों की? बेटा जब मर्जी कमेंट में जाऊंगा और जो पसंद आ जाएगी लड़की जो मेरे से शादी करने के लिए तैयार होगी वही माला डाल दूंगा। हमें कोई ऐसे फेरों वेरों की जरूरत नहीं है, आग वाली मोजी लगाएंगे। बट फिर भी जब आप शादी करने चाह रहे होंगे तो आपकी भी तो कुछ डिमांड होगी। हाँ माई डिमांड है, मैं स्टार्टिंग में आना वीडियो के। लड़की की फैमिली से क्या डिमांड है? बड़े जो डिमांड हम मांग रहे हैं वो पूरी करनी है। नई नई डिमांड चाहिए तेरे को? उसके हाथ में दूसरे कर लेके। ठीक है लड़की से देख, अपन तो बिल्कुल लिबरल आदमी है, हमने कुछ चाहिए ही नहीं। बस वो है कि अब थोड़ा बहुत तो इंसान सोचता है ना। अब तेरे को पता हमारे तो सारे मैटर ये थाने के होते हैं, कोर्ट के होते हैं, तो लड़की मतलब पुलिस वाली हो या फिर वकील वकील हो तो अच्छा बच जाएगा तेरे को। सही है सर, मैं ना बायोडाटा मंगवाता हूँ आपसे। एक है सीमा टपरिया, वो देंगे आपको अच्छा मैच। कौन है सीमा? कौन है सर? सीमा फ्रॉम मुंबई। भाई इससे कोई मतलब नहीं रखना, तू भी नंबर डिलीट कर इसका, यहाँ खड़ा है तो। भाई बड़ी बहन की शादी करवाई थी उसने। हाँ? एक हफ्ते में जीजा ऑफ हो गया था हमारा। कैसे सर? ओवर एक्टिंग मत कर, ढंग से पूछ। गोली मार दी उसको। किसने? छोटी बहन नहीं डिबिया, उसने उससे मैं मार दी अब गोली। अब तेरे को पता है शादी ब्याह के मैटर में क्या होता है, जरा सी बात ऐसे आग बन जाती है, लट गोली चल जाती है। वही हो गया, वो कह रही थी जूते चुराए पे जीजा 500 रुपये लूंगी, उनने कहा 450 रुपये ले ले, अब 50 रुपये में बात अटक गई। भाई दुनिया के लिए 50 रुपये बड़ी चीज होंगे, हमारे लिए तो बहुत बड़ी चीज थे। सर बुरा लगा आपका सुन के, मैं सीमा जी नहीं किसी और को ढूंढता हूँ आपके लिए, अभी चलता हूँ। सुन हाँ 100 रुपये पड़ेंगे? 50 है अभी बता दे रहा हूँ, 50 रुपये बात खराब होती है। बेटा डिबिया लो बड़ू ये बंदूकी है। Anyway guys, so this was the three of us on All Famous Honest Reviews. We hope you like this video as well. Yes, if you did then please hit the like button. Comment mein batao ki Indian matchmaking aapko kaisa laga, ya fir Indian marriage system in general aapko kaisa lagta hai, kya already aap uske shikar ban chuke hain ya banne wale hain? Aur guys comments, main aur Shubham hum dono regularly comments karte hain. पढ़ते भाई। So please पेट मतलब और जो लिखता है शांतनु इज बेटर उसको तो मैं डिसलाइक भी कर देता हूँ। मजाक की बात नहीं। बाकी डिस्क्रिप्शन में एक अनलॉक एक्सपीरियंसेस का लिंक भी है, आप जाके उसे भी चेकआउट कर सकते हैं। घर में बैठे अगर आप बहुत कुछ सीखना चाहते हैं तो उनमें से किसी भी चीज को आप ज्वाइन कर सकते हैं। टिल देन सब्सक्राइब टू मेंस एक्सपी एंड फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम। बता दो कैसे लाया गया आपको यहाँ पे? गलती हुई मेरी, मैंने इसका फोन उठा लिया। नहीं इन्होंने मेरे से जेन्युइनली क्वेरी की थी, डेड स्क्रीमिंग वाले जोक समझ में आ नहीं रहे थे क्योंकि उम्र तो हो गई है अब 30-35 और कूल बनना है हमारी तरह।